नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो सपने का मतलब अर्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं कि सपने अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, आपको शुभ फल भी मिल सकता है और अशुभ भी। कुछ सपने विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं, शुभ होते हैं, मंगलकारी होते हैं, और यदि आपको ऐसे सपने आते हैं तो आपकी किस्मत बदल सकती है, धन की कमी दूर हो सकती है, आप धनवान बन सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही सपनों की बात करेंगे जिनके आने पर या देखने पर आपकी किस्मत सुधर सकती है, आपका लक सुधर सकता है, आप धनवान बन सकते हैं, धन की कमी यदि चल रही है तो वो दूर हो सकती है। सपने में आप बच्चे को, छोटे बच्चे को चलते हुए या हंसते हुए देखते हैं या खेलते हुए देखते हैं, तो ऐसा सपना स्वप्न शास्त्र के अनुसार धन प्राप्ति होने का संकेत होता है। ऐसे में आपको अलग अलग मार्गों से धन की प्राप्ति होगी और पहले से या चलती आ रही जो भी आर्थिक तंगी है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, सपने में मल देखना या पोटी देखना स्वप्न शास्त्र के अनुसार आने वाले समय में आपको धन की प्राप्ति का संकेत देता है। मल का सपना देखने में भले ही गंदा हो, लेकिन यह एक संकेत होता है कि आने वाले समय में आपको बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। सपने में यदि आप खुद को या किसी दूसरे व्यक्ति को, चाहे वो अनजान हो या परिवार का व्यक्ति हो, यदि आप स्नान करते हुए अपने आप को या किसी और को देखते हैं, तो ऐसा सपना देखने से भी आने वाले समय में आपको धन की प्राप्ति होती है और ऐसा सपना देखना अच्छी किस्मत होने का प्रतीक माना जाता है। सपने में यदि आप अपना दांत टूटते हुए देखते हैं या आपका दांत टूट गया है, चाहे एक दांत आधा टूट जाए या सभी दांत टूट जाए, तो ऐसा सपना आना भी धन प्राप्ति का संकेत होता है और ऐसा सपना नए जीवन की शुरुआत की तरफ भी इशारा देता है कि जो भी आपने परेशानियां पहले देखी हैं या देख रहे हैं उनसे आपको छुटकारा मिलने वाला है। इसलिए दांत टूटने का सपना अच्छी किस्मत और धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सपने में यदि आप लड़ाई झगड़ा या खून खराबा देखते हैं, तो ऐसा सपना आपको डरा सकता है, लेकिन ऐसा सपना देखना भी अच्छी किस्मत और आने वाले समय में धन प्राप्ति का संकेत देता है और जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो जल्दी ही समाप्त होने वाली हैं, ये सपना आपको इस बारे में संकेत देता है। सपने में यदि आप सोने के जेवर देखते हैं या सोना देखते हैं या आपको सोना मिलता है, तो ऐसे में आने वाले समय में आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति होने वाली है और ऐसा सपना देखना माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार आप सपने में बिजनेस या अपने कामकाज में लगे हुए हैं, अपने आप को यदि आप ऐसा देखते हैं, तो यह सपना भी आपकी किस्मत और धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सपने में यदि आप अपने आप को पौधा उगाते हुए देखते हैं या पौधों को पानी देते हुए देखते हैं, तो ऐसा सपना आने वाले समय में आपके लिए धन प्राप्ति का संकेत माना जाएगा। यदि आप सपने में अपना या किसी और का घर बनते हुए देखते हैं, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा सपना देखना आपको आने वाले समय में धन की प्राप्ति कराता है और यदि धन की कमी है वो दूर हो जाती है और आपका धन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी प्रकार सपने में यदि आप भीख मांगते हुए अपने आप को या किसी और को देखते हैं, तो भी आने वाले समय में आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति होती है। सपने में यदि आप गुलाब देखते हैं, गुलाब का फूल देखते हैं या गुलाब का पौधा देखते हैं, तो भी आने वाले समय में आपकी किस्मत आश्चर्यजनक रूप से बदल जाती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, चाहे वह धन की प्राप्ति को लेकर हो या जॉब को लेकर, या कोई आपकी अधूरी इच्छा है वह गुलाब का सपना देखने से पूर्ण हो जाती है। सपने में शमशान या कब्रिस्तान देखते हैं, तो आने वाले समय में आपको सफलता मिलती है, ऐसा स्वप्न शास्त्र में बताया गया है। इसके साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। सपने में यदि आप चांद तारे देखते हैं, तो आने वाले समय में आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, आपको सफलता मिलने के साथ साथ धन प्राप्ति भी होती है और आपको आने वाले समय में शुभ समाचार मिलते हैं जो कि आपके पक्ष में होते हैं।
तो दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको ऐसे सपने आते हैं तो आपकी किस्मत के लिए और धन की आवक या धन प्राप्ति के लिए यह एक अच्छे संकेत माने जाते हैं। यदि आपने कोई सपना देखा है और आप उसका मतलब जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।